Today we are going to learn one more application of Google, that is Google Keep. Google Keep is an application for notes, to make a note. As we all require to make notes in our diary or various places we make, but it is a very good application of Google to make a Google Keep note, in which we have many features. I'll let you introduce with the features of Google Keep. So here is the interface of Google Keep. I got this application from the 9 dots here. जो हमारा Gmail पे 9 dots आते हैं, वही 9 dots से हमें यहाँ पे Keep मिला. And when we open this, it look like this. So we have notes, reminders, labels, archive means जो हमें काम नहीं आते हैं, हम उनको archive में डाल देते हैं. Trash can जो हम delete करते हैं, वो एक trash में रहता है, बाद में हम उसको वापस restore कर सकते हैं. यहाँ पे search का option है. इस लाइन में हमारे पास में यही सब चीज़ें हैं. ये हमारा रिफ्रेश का है, ये लास्ट व्यू जो हमने लास्ट में देखा था वो. ये सेटिंग में हमारे पास सेटिंग्स, डार्क थीम हम इसमें लगा सकते हैं, यानी कि ब्लैक कलर हो जाता है. फीडबैक हम भेज सकते हैं, हेल्प हम कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट से कुछ यहाँ पे. अब बारी आती है नोट्स बनाते कैसे हैं और नोट्स में क्या क्या यहाँ पे फीचर्स स्पेशली हैं. इसमें लिखा है टेक अ नोट. जस्ट नॉर्मली जो भी हमारे माइंड में है, वी कैन राइट लाइक दिस इज अ डेमो नोट. आप टाइटल भी दे सकते हैं इसमें कुछ भी, जैसे कि मैंने दिया डेमो. अब कुछ फीचर्स हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं. इन सब फीचर्स का अलग अलग मतलब है. ये पहला है रिमाइंड मी. इफ़ यू वॉन्ट कि आपको कुछ रिमाइंडर ऐड करना है, कि कुछ रिमाइंडर रहे, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे है कोलैबोरेटर्स. इफ़ यू वांट टू शेयर दिस नोट विद सम पीपल, लाइक अगर आप एक ही नोट पे दो जने काम करना चाहते हैं, यू कैन ऐड कोलैबोरेटर एंड यू कैन यूज़ द सेम नोट विद इन अ गूगल नोट्स. यहाँ पे है कलर. इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस नोट, यू कैन चेंज इट लाइक दिस. यहाँ पर है ऐड इमेज. आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं अपने इसके अंदर, नोट के अंदर. आर्चीव नोट को इस लिस्ट में से हटा के आर्चीव में डाल सकते हैं. इस 3 डॉट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिलीट नोट है, लेबल डाल सकते हैं, ड्राइंग डाल सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, इसका चेक बॉक्सेस डाल सकते हैं, और कॉपी टू गूगल डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं. साथ में यहाँ पे अनडू एंड रीडू आता है एंड क्लोज. अब कुछ फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, जैसे कि ऐड इमेज वाला. जब मैं ऐड इमेज पर क्लिक करता हूँ, इट आस्क मी टू ऐड एन इमेज फ्रॉम माई ड्राइव. So I'll just take a image from my downloads. Like this. I have added an image Masti Ki Paathshala. So here, there is a very great feature which you haven't seen in any note application, is that you can grab the text of the image. In this 3 dot, it is written grab image text. Aap jab yahan pe click karenge, इट विल रिटर्न इमेज टेक्स्ट ग्रैब. और आप देखेंगे कि आपके नोट के अंदर जो टेक्स्ट इसमें लिखा है वो सारा यहाँ पे कॉपी हो गया. लुक, इट लुक्स वेरी नाइस. सारी चीज़ जो लिखी थी हमारे नोट पे, वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो गई. तो आप इमेज में डाल के कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं. एक और फीचर मैं आपको इसका बताना चाहूँगा स्पेशल, शो चेक बॉक्सेस. शो चेक बॉक्सेस एक और यूज़ है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक लिस्ट बना सकते हैं. लाइक इफ़ वी वांट टू मेक अ थिंग, इफ़ यू वांट टू मेक अ लिस्ट, अगर आप कहीं बाज़ार जाते हैं या कहीं किसी चीज़ पे जाते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ लिस्ट कि ये सामान मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं. जैसे कि आपके पास अभी जो टेक्स्ट था, ये तो उसका लिस्ट बन गया, बट यू कैन ऐड अ लिस्ट, और जो भी काम हो गया आप उस पर टिक करेंगे तो वो नीचे कंप्लीट आइटम में शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है. अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो वापस से ये आपकी लिस्ट में चला जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक अ चेक लिस्ट एंड अ नॉर्मल नोट. इफ़ यू कैन वांट, यू कैन हाइड चेक बॉक्सेस हेयर फ्रॉम हेयर ओनली, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस नोट, यू कैन कॉपी. एक और फीचर है बहुत अच्छा, वो है ऐड ड्राइंग. ड्राइंग में आप खुद अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग. Like this. You can draw anything, whatever you want. We have different pens, highlighters, markers. In this, like this. And when you switch it back, this drawing has been added in your note. See.
You can delete this drawing. You can see all the pictures. You can delete from here. You can delete this also from here. The text will remain क्योंकि हमने text grab कर लिया था पहले से ही. And this same application is also available in your mobile phone. Mobile phone में भी हमारे पास है. साथ में ही यहाँ पे हमारे पास कुछ shortcut, जैसे list बनानी है तो आप directly यहाँ से list बना सकते हैं. आपको draw करना है तो आप draw कर सकते हैं. Image add करनी है तो image add कर सकते हैं. Now you will see हमारे फ़ोन में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है. तो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन जो अवेलेबल है उसके लिए मैं आपको हमारे फ़ोन की स्क्रीन दिखा रहा हूँ. लुक, यहाँ पे हमारे पास हमारे फ़ोन का स्क्रीन है. ये एप्लीकेशन आपको वही प्ले स्टोर से मिलेगा. मैंने इसमें डार्क थीम लगा रखी है इसलिए ब्लैक कलर का दिख रहा है. बाकी सारी चीज़ें हमारे पास जो भी हमारे फ़ोन में, यहाँ पे नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स है, ड्राइंग है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन और ऐड हुआ है जिसमें हम वी कैन स्पीक एंड राइट द टेक्स्ट, जो हमारा होता है वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाला सिस्टम भी फ़ोन में हमें अवेलेबल मिलेगा. यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे न्यू आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 lines हमारी है, जो चीज़ें हमारी अवेलेबल थी वो सब है यहाँ पे. तो सेम एप्लीकेशन हमारे पास फ़ोन में भी है जो हमारे सिस्टम